मठिया गांव के किसान पंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सुल्तानपुर जनपद के लमुआ में सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण आज किसान कर्जेदार हो गया है। सरकार किसान आयोजन का गठन करे जिसमें किसान ही रहें, राजनीतिक कोई भी व्यक्ति न रहे। उपरोक्त बातें लमुआ क्षेत्र के स्थित मठिया गांव में किसान आयोजन पंचायत में भारतीय किसान यूनियन गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कही तथा किसान जन जागरण यात्रा पर निकले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि किसान आयोजन के अंतर्गत किसानों की उपज का दाम स्वयं तय करेंगे तथा किसानों का हित संभव होगा। सरकार किसानों का हर प्रकार से कर्ज माफ करें। किसी भी दुर्घटना होने पर किसानों को सरकार द्वारा 1 करोड़ की आर्थिक धनराशि मुहैया कराई जाए और किसानों को 10,000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाए। किसानों की मुख्य समस्या डीजल पेट्रोल वृद्धि, आवारा पशुओं से हो रही किसानों की फसलों का नुकसान आज के विषय में सरकार गंभीर हो और किसान समस्याओं को शीघ्र से निस्तारित करे। किसान जागरण यात्रा पर आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जन जागरण यात्रा पर निकले हुए थे। वह सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट होते हुए लभुआ तहसील के मठिया गांव में अपनी जन जागरण यात्रा का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए बैठक में या पंचायत में पहुँचे। वहाँ पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया और उन्होंने अपने संगठन के बारे में लोगों के सामने अपना विचार दिया। लोगों ने उनके विचार से सहमत होकर के आगे उनके साथ कदम से कदम मिला करके कार्य करने का संकल्प लिया। तो डॉक्टर ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने संगठन के बारे में मंडल से लेकर के जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के चयन के बारे में भी विचार विमर्श किया। मंडल अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अनिल यादव को मंडल सचिव के रूप में नियुक्त किया तथा जिलाध्यक्ष के रूप में कुलदीप यादव, उपाध्यक्ष प्रांजल यादव तथा ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में अकबर अली सिद्दीकी को, तहसील अध्यक्ष के रूप में राजाराम सरोज को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया और उनकी मांगों से जो उन्होंने किसान की मांगों को रखा उससे सारे लोग सहमत होकर के उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने का संकल्प लिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का कथन है किसानों के गेहूं का, धान का, उनकी फसलों का उचित मूल्य तथा मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे गेहूं के खेती करने में इतनी लागत आती है उसका मूल्य जो है सरकार निर्धारित करती है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है उसका मूल्य किसान निर्धारित करेंगे। इन्हीं सब को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डीजल वृद्धि आदि समस्याओं को लेकर के सबको अवगत कराया और जन आंदोलन प्रारंभ करने का यहाँ से संकल्प लिया। अध्यक्ष ने सबको साथ लेकर के सारी किसानों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि अगर किसान की समस्याएं सॉल्व नहीं होगी हम ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे जो भी सरकार हो। हम कोई नेता नहीं हैं, हम लोग अराजनैतिक हैं, हम लोगों को नेता से कोई मतलब नहीं है। हम किसान हैं, हमारी किसान की समस्याएं सॉल्व होनी चाहिए चाहे जैसे हों। सर क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह नाम है और भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और किसान जागरण यात्रा पे हूँ पूरे देश में, क्योंकि हमने अब एक मांग जो हमारी लगभग 40 साल से हम लोग कर रहे हैं किसानों के लिए, कोई मानता नहीं था। एक के बाद एक का ये सोचते थे, विश्वास करते थे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किसी भी केंद्र सरकार ने इन 80% किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। हमारी ये मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आयोग में सभी किसान रहेंगे, राजनेता एक भी नहीं। किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा, सरकार नहीं। किसान विरोधी नीतियों के कारण 72-73 साल में किसान कर्जदार हो गया है, आत्महत्या करता है। इसलिए एक एक पैसा बैंकों का जो भी हो किसान का माफ करना पड़ेगा, चाहे वो केसीसी का हो, चाहे ट्रैक्टर का लोन हो, चाहे भैंसा बुकी का हो, कुछ भी हो, सब माफ करना पड़ेगा। 10,000 रुपया पेंशन 60 साल पूरी होने के बाद हर किसान मजदूर को, हिंदू हो,
मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी बिरादरी हो, देना पड़ेगा। और यदि दुर्घटना में किसान मरता है तो उसको 1 करोड़, हम पूरे विश्व के देश के यानी सब मानवतावादी हैं, मानव की बात करते हैं, तो पूरे देश के लिए हमारी ये मांग है कि पूरे देश में जहां कहीं पुलिस वाले हैं, जैसे अभी अभी हमारे कानपुर में 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया गया, ऐसे पुलिस वाले कहीं मारे जाएं तो वो पढ़ लिख के नौकरी पर जाते हैं, तो इसलिए उनके बच्चों को, परिवार को 2 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। ऐसे इसी तरीके से हमारी सेनाएँ, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारे देश की रक्षा करती है और अपनों अपने प्राणों की आहुति देने के बाद भी देश को आज़ाद रखती है, यानी देश को परतंत्र नहीं होने देती, और हम लोग यहाँ मटर गश्ती करते रहते हैं, खेती करें, बिजनेस करें, चुनाव लड़ें, MLA, MP, मिनिस्टर बने और वो अपनी जान दे दें, तो उन जान देने वाले नौनिहालों को भानु प्रताप सिंह की मांग है और भारतीय किसान यूनियन की मांग है कि उनकी पत्नी बच्चों को 5-5 करोड़ रुपया दिए जाए। पूरे देश में सड़कों की व्यवस्था सरकार सही करे, जो टूटी फूटी, हम गाड़ी से घूमते हैं, तमाम सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई देखने वाला नहीं है, ये PWD के इंजन क्या करते रहते हैं, काय की तनख्वाह लेते हैं, हमें नहीं पता, तो इन पर बदला सख्ती की जाए, सड़कें सही की जाए, नहर बम्बों में पानी की व्यवस्था की जाए, जहाँ नहर बम्बे नहीं है वहाँ पर सिंचाई के लिए बिजली 24 घंटे दी जाए, खेती की सिंचाई के लिए, क्यों कि खेती की सिंचाई नहीं होगी तो खाद्यान्न नहीं होगा, और खाद्यान्न नहीं होगा तो देश के लिए खाद्यान्न की कमी पड़ सकती है। आगे है हमारा कि जो शौचालय बनाए जा रहे हैं वो ऐसे नहीं बनाए जाए, वो पक्का टैंक बना के बनाए जाएँ, हमारे दिमाग से यदि ये खुले शौचालय बनाए जाएंगे, एक कोठरी बना दी, एक सीट लगा दी, ज़मीन में मलमूत्र जाएगा तो ज़मीन प्रदूषित हो जाएगी। अगली बात है हमारी कि ये जो गौवंश की रक्षा की बात चल रही है, हम सब लोग गौवंश रक्षा चाहते हैं, लेकिन गौशाला खोलने से गौवंश नहीं बचेगा, क्यों कि गौशाला में दूध देने वाली गाय रहेंगी और जो नहीं दूध देगी वो छोड़ दी जाएगी। हमारा है कि गौवंश बचाने के लिए गौवंश का, पूरे गौवंश का गोबर खरीदा जाए,